ज्ञान कुंज में आप सबका स्वागत है। अमेजन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षा वन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेजन के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुआन से होकर गुजरता है। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए माना जाता है और दूसरी तरफ सबसे सुंदर माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं, बायोडायवर्सिटी का भंडार है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवजॉय अपने रिसर्च में कहते हैं, जिस तरीके से अमेजन के जंगल को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेजन के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। अमेजन रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके एक तिहाई को एक साथ अमेजन के जंगलों में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। अमेजन के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3,000 से ज्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। 2 साल में अमेजन के जंगल में आग लगने की घटनाओं में 80% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों से कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बता रहे हैं, तो कुछ षड्यंत्र, तो कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने के 72,843 मामले सामने आए हैं। इसमें अमेजन बेसिन में ही आग लगने की 9507 घटनाएं आ चुकी हैं। विश्व के सबसे बड़े एवं घने इस वर्षा वन में कई अनूठे जीव जंतुओं का बसेरा है। इसकी खूबियां हैं अनोखे पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगों की असंख्य प्रजातियां। इस इलाके की कई जनजातियों की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ती थी। इंसान ने सबसे पहले अमेजन वर्षा वनों में लगभग 11,200 वर्ष पूर्व रखा था। अमेजन वर्षा वनों का अस्तित्व लगभग 55 मिलियन वर्षों से है। विश्व के कुल वर्षा वनों का लगभग आधा भाग यही है। अमेजन वर्षा वन में दुनिया की 10% से ज्यादा प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 40,000 पौधों के एवं 25,00,000 कीड़ों की प्रजातियां यहीं पाई जाती हैं। अमेजन नदी का नाम इस वर्षा वन के नाम पर ही रखा गया है। यह वर्षा वन के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेजन का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6400 किलोमीटर है। अमेजन नदी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिसमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज्यादा लंबी हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि इतनी बड़ी नदी होने के बाद इस नदी के ऊपर कोई पुल मौजूद नहीं है। पेरू की एक्वेटो सिटी विश्व का सबसे बड़ा ऐसा शहर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड मौजूद नहीं है, इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेजन वर्षा वनों के बीच काफी दुर्गम इलाके में बसा हुआ है, जिसकी आबादी 4,00,000 से ज्यादा है। अमेजन वर्षा वनों में सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए अधिकतर जंगलों का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है। वैसे तो यहाँ साल भर वर्षा होती है, पर बरसात के दिनों में अमेजन नदी का रूप बेहद भयावह होता है। उस समय नदी लगभग 190 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। विश्व का सबसे खतरनाक और बड़ा सांप
अनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। यह आसानी से भेड़ पकड़ियों को निकल जाता है। पैंथर ओका तेंदुए की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन वर्षावन में पाए जाते हैं। यह भारतीय महाद्वीप के आम तेंदुओं से ज्यादा तेज और शक्तिशाली होता है। शेर और बाघ के बाद यह तीसरा सबसे शातिर शिकारी है। शिकार इतनी तेजी से करता है कि शिकार को जब तक कुछ समझ आए उसका काम तमाम हो जाता है। स्कारलेट मैकाऊ अमेजन में पाया जाने वाला सबसे रंगीन तोता है। इसके पंख लाल, हरा, नीला, पीला, केसरिया आदि रंगों के होते हैं। इसे फल बहुत पसंद है। भारतीय तोते से यह आकार में काफी बड़ा व आकर्षक होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।